एवरीवन, वेलकम टू शेफ। बच्चों ये हमारी आज की क्लास 12th है, ठीक है, और हम लोग इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जैसे कि आप प्रीवियस क्लास से देख के आइडिया लगा ही रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की के अनुसार इंटरेक्शन विद एडल्ट एनपीज डज नॉट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये बात गलत कही गई है, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था और कहा था कि आप लोग अगर इसे निगेटिव पॉइंट में निकालेंगे तब भी आप इसके सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। भाषा के विकास में संस्कृति बहुत छोटी भूमिका निभाती है, ये भी बात गलत है। बच्चे भाषा अधिग्रहण उपकरण के माध्यम से करते हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे भाषा का अधिग्रहण जो है वो उपकरण के माध्यम से नहीं करते हैं, और ये चीज़ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की जो बात है ये वाइगोस्की करते भी नहीं है, ठीक है। एलईडी की बात जो है वो चॉम्स्की करते हैं। इसमें आपका उत्तर नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पियाजे एंड वाइगोस्की व्यू ऑन लैंग्वेज एंड दो करेक्टली। आप निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार पर पियाजे और वाइगोस्की के विचारों का सही वर्णन करता है। ये चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं और ये क्वेश्चन अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ भी पूछा जाए ना पूछा जाए, लेकिन इन दोनों का जो डिफरेंट है थॉट ऑफ मतलब जो इनका डिफरेंट थॉट है ये आपसे ज़रूर पूछ लिया जाता है लैंग्वेज को लेके। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि पियाजे कहते हैं कि जो थॉट है वो पहले आता है, यानी कि जो विचार है वो पहले आता है, और वाइगोस्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं विचार को प्रभावित करती है। ऑलराइट, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है द गैप बिटवीन द चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली विद असिस्टेंट। बच्चा स्वतंत्र रूप से और सहायता से जो कर सकता है उसके बीच का अंतर, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट समराइज द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ एंड लर्निंग एज प्रपोज्ड बाय वाइगोस्की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की द्वारा प्रस्तावित विकास और सीखने के बीच संबंध को सबसे अच्छा सारांशित करता है। विकास जो प्रक्रिया है सीखने की प्रक्रिया से पीछे है, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस लैग बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। एक 5 साल की लड़की टी शर्ट मोड़ने की कोशिश करते हुए खुद से बात कर रही है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन पियाजे इसे सामाजिक संपर्क के रूप में समझेंगे जबकि लेव वाइगोस्की एक अन्वेषण, ऐसा नहीं है। जीन पियाजे जो है वुड एक्सप्लेन दिस एज अ सोशल इंट्रैक्शन। जहाँ पे बात सोशल इंट्रैक्शन की आती है वहाँ पे वाइगोस्की के अलावा दूसरा कोई भी नाम अगर आप देखते हैं तो उसको फटाफट क्या करना है, काट देना है। जीन पियाजे एंड लेव वाइगोस्की वुड एक्सप्लेन देयर चाइल्ड अटेम्प्ट टू इमिटेट हर मदर, ऐसा भी नहीं है कि दोनों ही लोग इसे अपने माँ की नकल करने की कोशिश के रूप में समझेंगे। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसे बच्चे के विचार की अहंकारी प्रवृत्ति के रूप में समझेंगे, ये भी सही बात नहीं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कोई बच्चा अपने आप से बात करता है तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे ये एक ईगोसेंट्रिक स्पीच है, और लेव वाइगोस्की के अनुसार ये एक प्राइवेट स्पीच है, ठीक है। एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लेव वाइगोस्की विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड वुड यू प्रिफर फॉर असाइनिंग योर स्टूडेंट। एक शिक्षक के रूप में जो लेव वाइगोस्की के सामाजिक रचनावादी सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है वह अपने छात्र के मूल्यांकन के लिए कौन सी पद्धति अपनाएगा। बात जब लेव वाइगोस्की की आएगी, ठीक है, और आपको लेव वाइगोस्की के अनुसार बताना है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए आप इनमें से किस मेथड को इस्तेमाल करोगे, तो आपके पास कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट कोलैबोरेटिव मेथड से अच्छा दूसरा कोई भी उत्तर नहीं है। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोस्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक चरण जो है वो आपका सोशल इंट्रैक्शन होता है। इन डैश अ टीचर एंड 2-4 स्टूडेंट फ्रॉम कोलैबोरेशन ग्रुप एंड टेक टर्न लीडिंग डायलॉग ऑन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ टेक्स्ट पैसेज, यानी कि डैश में एक शिक्षक और 2-4 छात्र के सहयोग समूह बनाते हैं और विषय वस्तु पर बारी बारी से संवाद करते हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो मैं आप लोगों को जैसे पहले भी बताती हूँ और हर वीडियो में लगभग ये चीज़ बताती हूँ कि अगर आपने कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो, राइट। अब जैसे कि यहाँ पर ये हुआ है कि एक डैश है, ठीक, एक शिक्षक 2-4 छात्रों के एक सहयोग समूह को बनाती है, यानी कि आपसे 2-4 बच्चों के ग्रुप को बना लिया गया
और एक विषय वस्तु है उस पर बारी बारी चर्चा करती है। मान लीजिए ये आज आप क्या पढ़ेंगे, ऐसे करके एक आपको विषय वस्तु दी गई है जिस पे आपने बारी बारी से चर्चा की। अब इसके लिए आप क्या करेंगे, बारी बारी से चर्चा करने का मतलब है कुछ ये बोला, कुछ ये बोला, कुछ ये बोला, कुछ ये बोला, तो क्या स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग तो वो होती है जहाँ पे एक शिक्षक हेल्प करती है, सहयोग करती है, हिंट देती है। डिस्कवरी लर्निंग है, खोज सीखना भी नहीं है। ये है आपका रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज़ बीन प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की फॉर टीचिंग प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन। प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए लेव वाइगोत्स्की द्वारा निम्नलिखित में कौन सी तकनीक प्रस्तावित की गई है। रीइन्फोर्समेंट, सुदृष्टिकरण, संतुलन, क्रमादेशित शिक्षण। तो जब बात आपकी प्राथमिक शिक्षा उसकी आएगी, प्राथमिक स्कूल की आएगी, प्राथमिक क्लास की आएगी, तो फिर हर समय स्कैफोल्डिंग, क्योंकि उस समय बच्चों को इतना नहीं आ रहा है कि वो चीज़ों का रीइन्फोर्समेंट करें, ठीक है, या कोई प्रोग्राम लर्निंग करें। आप उनको जब तक आप उन्हें मदद नहीं करोगे, जब तक आप उन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं दोगे, तब तक वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी कि प्राथमिक कक्षा में शुरू की जो कक्षाएं होती है वो ऐसी होती हैं कि आप बच्चे को ऐसे करके ए लिखना सिखाते हैं। ऑलराइट, अ टीचर एनकरेज हर स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई एंड रिकोगनाइज मीनिंगफुल वर्ड सच एज पेन, टाइगर, वाटर टू इनिशिएट रीडिंग। विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज दिस पैडागॉजी सिचुएटेड इन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को पढ़ना शुरू करने के लिए कलम, बाग, पानी जैसे सार्थक शब्दों को पहचानने और पहचानने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह शिक्षा शास्त्र सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑपरेंट, क्लासिकल, रिडक्शनिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म। आपको पियाजे के अनुसार बताना है, तो पियाजे के अनुसार जब आप कोई भी चीज़ बताते हैं तो आप क्लासिकल कंडीशनिंग के पास जाएंगे या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म के पास जाएंगे। एक बच्चा है वो क्या कर रहा है, कलम, बाग, पानी जैसे सार्थक शब्दों को पहचानने के लिए एक टीचर क्या कर रही है, उसको प्रोत्साहित कर रही है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। डैश अकर व्हेन चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस टू फिट इनटू देयर एग्जिस्टिंग स्कीमा। समझ रहे हो, स्कीमा का जो बात है वो आपकी पियाजे ने कही है, इस चीज पर आप लोग ध्यान देंगे। डैश तब होता है जब बच्चे अपने अनुभवों को अपनी मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए बदलते हैं। एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, सेंट्रेशन और कंजर्वेशन। तो यहाँ पर आपका सेंट्रेशन और कंजर्वेशन तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को नहीं अभी तक मैंने नहीं बताया, बट चलिए आज हम लोग एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की एक ऐसी क्लास लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों का जो भी डाउट रहता है वो क्लियर हो जाए। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है जिसमें आपके दो क्वेश्चंस को पहले से ही मैंने एलिमिनेट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ये क्लास हमारी 2 बजे होती है, होप सो आप लोग पता होगा। ऑलराइट, आज की एक क्लास लेंगे, इसमें एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।